I see you dancing, I'm like, hola, 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 hola. With your move fancy, make me wanna hola, 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 hola. I got your attention, spending a moolah, 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 moolah. I'm a drum popping, pack it, swola, 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 swola. हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप देख रहे हो टेक्नोबुक यूट्यूब चैनल। गाइज, अगर आप भी अपने वीडियो को एडिट करते हैं फिल्मोरा से, तो दोस्तों मैंने अपने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि कैसे आप अपने वीडियो के जो भी, अगर आप सिनेमैटिक वीडियो बनाते हो या ट्रैवलिंग वीडियो, किसी भी टाइप की आप वीडियो बनाते हो, तो उसमें कलर ग्रेडिंग कैसे करना है। फ्री लट्स होते हैं, सिंपली आपको एक क्लिक में आपका कलर हो जाएगा। वैसे प्रीसेट्स मैंने ऑलरेडी दे रखा है, आपको स्क्रीन पर भी उसका थंबनेल नज़र आ रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा और मेरे चैनल पर भी आप जा करके देख सकते हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आ रखा हूँ ब्लैक कलर के लट्स। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियोस में जो ब्लैक कलर के काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट आ जाते हैं, तो आपको काफ़ी प्यारे लगते हैं वो। और उसको कैसे बनाते हैं, कैसे इसमें एडिट करना है, मैं आपको सारा प्रोसेस बताऊँगा। और उससे पहले एक और बात बता दूँ, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसमें पासवर्ड लग रखा है, तो पासवर्ड आपको वीडियो के बीच में कहीं ना कहीं आपको स्क्रीन पर नज़र आ जाएगा। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लेना, बिकॉज मैं कोई सा भी लिंक देता हूँ डाउनलोडिंग का, तो उसमें मेरा वो नहीं रहता कि किसी और लिंक पे रीडायरेक्ट हो रहा है, कहीं और पेज पे जा रहा है। सिंपली डाउनलोड पे आपको क्लिक करोगे तो सीन आपका डाउनलोड हो जाता है। सो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देख लेना। और सबसे रही बात कि इसको एडिट कैसे करना है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपका ये टाइमलाइन पे आप अपने कोई सी वीडियो लेके आ जाओगे जिस पे आपको एडिट करना है, ठीक है। अभी आप देख सकते हो ये कुछ ऐसा मेरा ये क्लिप है, और इस पे आपको कलर एडिट करने के लिए या तो आप इस पे क्लिक करके यहाँ पे सिंपल आप कलर पे भी आ सकते हो, या डबल क्लिक करोगे तभी भी आप यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है ऊपर में कलर पे। और हाँ, एक और बात बता दूँ, अभी जो मैं फिल्मोरा का वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, फिल्मोरा वर्जन 10 है। आप कोई सा भी वर्जन, अगर आप 9 वर्जन भी यूज़ कर रहे हो तो आपका चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेम ऐसी प्रोसेस होगा, सिंपली यहाँ पे क्लिक करके या कलर पे भी आ सकते हो। कलर पे आने के बाद, जैसे कि मैं आपको पहले ये वाला ऑप्शन दिखा देता हूँ। जैसे आपने यहाँ पे क्लिक करा और यहाँ पे कलर पे आ गए, कलर करेक्शन पे हमने क्लिक करा, और यहाँ पे आपके बहुत सारे ऑलरेडी जो इसमें इंक्लूडेड होते हैं, मैंने ऑलरेडी इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड कर रखी है। तो आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे ऑल प्रीसेट पे आप जैसे यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप ड्रैग करोगे, और यहाँ पे आपको 3D लट्स करके ऑप्शन नज़र आ जाता है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको लोड लट्स का ऑप्शन नज़र आ जाता है। जैसे आप इस पर प्लस पे आइकन पे क्लिक करोगे, आपसे पूछेगा कहाँ पे आपने डाउनलोड कर रखा है, तो आप सिंपली इसको सिलेक्ट कर लेना। और जैसे ही ओपन करोगे तो दो आपके पास लट्स नज़र आ जाते हैं ब्लैक फॉरेस्ट करके, तो आप सिंपली इस पर क्लिक करके ओपन पे प्रेस कर देना, और यहाँ पे आप नीचे ऑप्शन में नज़र आ जाता है ब्लैक फॉरेस्ट का, ठीक है। एक ये चीज़ है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ये कलर अपने आप ही यहाँ पे एडिट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ओके पे प्रेस कर दोगे तो ये आपका कलर देखो एडिट हो चुका है। अगर आपको इसमें भी कुछ कुछ थोड़ी बहुत एडिटिंग करनी है, तो आपको डबल क्लिक करना है और यहाँ पे एडवांस पे आपको ऑप्शन पे क्लिक करना है कलर पे जाने के बाद, और यहाँ पे आपको एडजस्ट पे आपको क्लिक करना है। तो आप इसको अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हो। सपोज देखो, जैसे कि कलर है, मैं आपको कलर में थोड़ा बहुत इसमें एडिटिंग करके दिखाता हूँ। जैसे कि आप इसको एक्सपोजर को कम करोगे तो कुछ ऐसा आ जाता है, जैसे बढ़ाओगे तो थोड़ा वाइटिश सा आ जाता है। तो अपने अकॉर्डिंग हल्का फुल्का आप कर सकते हो, क्योंकि सबकी क्लिप अलग अलग होती है। किसी ने डे पे शूट करा है, किसी ने अलग अलग लोकेशन पे शूट कर रखा है, तो इसी वजह से आपको थोड़ी बहुत एडिटिंग करनी पड़ेगी हल्की फुल्की, अपने अकॉर्डिंग जैसा आपको अच्छा लगे। और यहाँ से आप जैसा देख सकते हो, मैं थोड़ा बहुत करके दिखा देता हूँ, और यहाँ पे ओके पे प्रेस कर दूंगा तो आपका कुछ फाइनल लुक ऐसा आ जाता है, ठीक है। अब जैसे कि आप देख सकते हो, ये कुछ कलर एडिट ऐसा हो जाता है। इसी तरीके से आप एडिट कर सकते हो। और दोस्तों, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना, मैं उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। अगर ऐसी और भी आपको लट्स वगैरह चाहिए और फिल्मोरा से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए, या एडिटिंग से रिलेटेड हो या कोई से अदर टेक से रिलेटेड हो, तो मैं सबके ऊपर वीडियो बनाते रहता हूँ। एक बार आप प्लीज़ जाकर के मेरा चैनल विजिट कर लेना, इसमें वीडियोस देख लेना। अगर आपको कोई सा भी चैनल वीडियो वगैरह अच्छा लगता है, चैनल अच्छा लगता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि थोड़ा सा मोटिवेशन मेरे को मिल जाता है आपके एक सब्सक्राइब से। तो इसी तरीके से बने रहते हैं अगले नए वीडियो में, तो तब तक ले बाय, टेक केयर।